Assalamualaikum student, this is me Miss Fozia Khan, your zoology teacher, and today we are going to start our lecture number 2 of chapter number 7, that is Kingdom Protista or Kingdom Protoctista. ये आपके book का chapter number 7 है. हमने last lecture में इसको start किया था, जिसमें हमने Protista के बारे में कुछ discussion की थी और उसके बाद हमने classes के बारे में discuss किया था. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर आई वांट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज. ठीक है ना, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्लासेस स्टार्ट की थी कि 30,000 स्पीशीज हैं प्रोटोजोआ की और इनको डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में. द फर्स्ट क्लास वाज क्लास फ्लैजेलेटा जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड क्लास इज क्लास सार्कोडीना, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. थर्ड क्लास क्लास सिलेटा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है ना. अच्छा, फोर्थ क्लास कौन सी है, क्लास सेक्टोरिया, एंड द फिफ्थ वन इज क्लास फोरोजोआ. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्लास सिलेटा, ठीक है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड सिलोफोरा. ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म जो कि क्लास सिलेटा में इंक्लूड है इसको सिलेट्स कहते हैं. द सिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन characterized by the presence of hair-like organelles called cilia. अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में, इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है. इनको किस बेस पे किया गया है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, कि इनके पास कौन कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स है उनकी बेस के ऊपर जो है इनको क्लासिफाइड किया गया है. तो फ्लैजेलेटा में हमने बात की थी कि इनके पास फ्लैजेला 1 और 2 फ्लैजेला होता है जो मूवमेंट के लिए लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं. देन क्लास सेक्टोरिया में क्या था कि उनके पास कोई भी प्रॉपर ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं होते लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लेकिन उनके पास जिनका साइटोप्लाज्म है वो प्रोजेक्शन बनती है, उससे क्या करते हैं कि वो मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है ना. तो थर्ड क्लास जो है सिलेटा, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, और इसी की वजह से इनका नाम जो है सिलेटा पड़ा है. ठीक है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं. ठीक है ना, ये क्या है, विच आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर टू यूकेरियोट फ्लैजेला. इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऐसे ही होता है जैसे फ्लैजेला होता है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है इसमें कि ये शॉर्टर होते हैं, फ्लैजेला जो है वो साइज में बड़ा होता है, और ये क्या है, इनका साइज छोटा होता है और प्रेजेंट इन मच लार्ज नंबर. फ्लैजेला 1 और 2 या 3 होते हैं, लेकिन इनके ये जो है बहुत ज़्यादा नंबर इनमें होता है. तो ये फर्क है कि ये शॉर्ट होते हैं, फ्लैजेला बड़ा होता है, और ये इसकी जो नंबरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है. अच्छा, क्लास सिलेटा में से हमने बात की कि इनके पास सीलिया पैटर्न होते हैं, तो सीलिया की मूवमेंट कैसे होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाती हूँ कि इसकी मूवमेंट कैसे होती है. तो ये जो है वैसे जब यूज करते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है ना, मूव करते हैं इससे, लेकिन जब ये एक जगह पर अटैच हो जब ये ऑर्गेनिज्म, तो क्या करते हैं कि ये इस तरह मूव करते हैं, और इसके जरिए जो है पानी जो होता है, इसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं, इसको वाइपर की तरह से वाइपर होता है ना, उसके जरिए जो है बॉडी में लेकर आएगा. तो इनके पास जो बुलेट होगा, जो इनके जो ओपनिंग है बॉडी में, उसमें वो फूड कंटेनिंग जो वाटर है फूड कंटेनिंग पार्टिकल्स में है, तो वो उनकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे. तो ये क्या करेंगे कि फूड उस फूड को अपने बॉडी में रख लेंगे, और पानी जो है वैक्यूल्स में, जो उनका वैक्यूल है वहाँ पे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में जो है जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जमा होता रहेगा. तो इस तरह जो है ये फूड जो है ये लेते हैं सीलिया की हेल्प के साथ, और जो है मूवमेंट में जो है भी मूवमेंट के लिए भी यूज करते हैं. वट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास सिलेटा. सीलेट्स जो होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट सीलिया प्रेजेंट हैं पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से इनका नाम सीलेटा जो है रखा गया है. ठीक है ना, सीलिया किसको कहते हैं, सीलिया जो है आई लैशेज को कहते हैं. ठीक है ना, इस वर्ड का नाम है आई लैश. ठीक है ना, तो इनके जो सीलिया होते हैं जैसे हमारी आई लैशेज होती हैं उनकी तरह जो है इनका बिल्कुल नजर आते हैं, इनका वो सीलिया कहते हैं, और क्लास का नाम है सीलेटा. सीलिया की मीनिंग क्या, वर्ड की मीनिंग क्या है, आई लैश. ठीक है ना, ये यूज करते हैं अपने सीलिया को या तो मूवमेंट के लिए, जब इनको मूवमेंट करनी होती है तब जो है ये इसको यूज करते हैं, या फिर ये एक जगह पे जब रुके होते हैं तो तभी क्या करते हैं, सीलिया को मूव कैसे करते हैं कि ये सीलिया के जरिए जो है
जब ये एक जगह अटैच होते हैं तो वाटर जो होता है, वाटर में फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसको जैसे वाइपर होता है ना, वाइपर से जो है या जो है अपनी तरफ पानी लेकर आते हैं, जब पानी लेकर आएंगे उसमें फूड पार्टिकल हो गए और वो जो है एनिमल की बॉडी में इनकी ओपनिंग होती है तो उसके जरिए जो है बॉडी में इनके एंटर हो जाएगा। इस तरह जो है ये फूड जो है लेते हैं, मतलब फूड को इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत से जो सिलेटा होते हैं, तकरीबन सब सिलेटा में क्या होते हैं कि ग्रुप होता है और डिप्रेशन मतलब एक ग्रुप सा होता है, ठीक है ना, उसमें इसको क्या बोलते हैं, बुलेट कहते हैं। उसके जरिए क्या होता है कि फूड जो है, जो फूड में पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वाटर में पार्टिकल्स हैं, तो वो वाटर के जरिए जो है वो सीलिया के सीलिया जो पानी को अपनी तरफ जो है लेकर आता है, उसमें फूड पार्टिकल होंगे, तो जो बुलेट इनका ओपनिंग ओपनिंग है उसमें पानी के साथ साथ जो है फूड पार्टिकल इनकी बॉडी में एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग। एग्जाम्पल इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डेंटीडियम, ऑपेलिना एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम तो बहुत कॉमन है, जिसका आपने नाम सुना है, जिसका स्ट्रक्चर जो है आप कहते हैं कि जो स्लीपर है या चप्पल की तरह से स्ट्रक्चर होता है, अभी पहले जो मैंने आपको दिखाया है तो वो क्या है, पैरामीशियम है, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए, ये जो ओपनिंग है, ये जो एक रूफ से नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं गुलेट, ठीक है ना। जैसे ये सीलिया है, ये मूवमेंट जब ये सीलिया को मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, जब ये एक जगह पर अटैच होते हैं तो क्या होता है कि सीलिया जो है उसकी मूवमेंट होती रहती है, तो पानी आएगा उसमें फूड पार्टिकल होगा, तो उसी गुलेट के जरिए, इस ओपनिंग के जरिए बॉडी में एंटर होगा। एंटर होने के बाद जो है फूड जो है इनकी बॉडी भी पानी के साथ इनकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। मोस्ट सिलेट जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना, फ्री लिविंग होते हैं। कुछ मेंबर इनके फ्रेश वाटर में भी इनहिबिट करते हैं और कुछ जो है मैरीन वाटर में भी करते हैं, और कुछ मेंबर इनके क्या है, पैरासाइट्स भी हैं। पैरासाइट्स जैसे हमने पहले भी बात की थी कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर रह के जो है वहाँ अपने फूड गेन करते हैं या उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और मतलब बेनिफिट्स लेते हैं, और बदले में अपने होस्ट को कोई भी डिजीज कॉज करते हैं या कोई डैमेज पहुंचाते हैं, तो वो पैरासाइट कहते हैं। तो इनमें फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं और कुछ मेंबर्स इनके पैरासाइट भी हैं। जो फ्री लिविंग है वो वाटर या फ्रेश वाटर या फिर मैरीन वाटर में इनहिबिट करते हैं। अच्छा सिलेट जो है प्रोटोजोआ, ठीक है ना, मतलब प्रोटोजोआ मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में सारे हैं, उनको प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है ना। इनके सिलेट के पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है ना। अच्छा माइक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, वो क्या कौन सा, वो तमाम बॉडी की एक्टिविटीज और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ को जो है ये कंट्रोल करता है। इनके पास मीन्स दो न्यूक्लियस होते हैं, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। मोस्टली रिप्रोडक्शन जो होती है एसेक्सुअल होती है, जो कि बाइनरी फिजन के जरिए होती है या फिर बडिंग के जरिए। जैसे बडिंग हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी बॉडी से जो है आउटग्रोथ डेवलप होती है, जो फिर जब फुली डेवलप हो जाए तो बॉडी से पैरेंट सेल से जो है वो अलग हो जाती है और अपनी जो है इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने लगती है। सिस्ट फॉर्मेशन भी होती है, जो कि कब होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये सिस्ट फॉर्मेशन भी होती है। और जो बाइनरी फिजन है वो सिंपल जो फिजन क्या होती है, सिंपल सेल डिविजन होता है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाना। अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाई जाती है, तो वो किसके जरिए थे, वो कॉन्जुकेशन के जरिए होती है, ठीक है ना, कॉन्जुकेशन प्रोसेस के जरिए होती है। कॉन्जुकेशन क्या होता है, इसमें जो है जैसे पहले हमने बात कर ली थी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनके गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं, कुछ मटीरियल एक्सचेंज होता है, इनका जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज होता है और फिर जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि कॉन्जुकेशन क्या होता है, कॉन्जुकेशन एंड बाइनरी फ्यूजन कैसा होता है, ठीक है ना। कॉन्जुकेशन में क्या होता है कि जैसे कि ये दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, दो ऑर्गेनिज्म है, ये एफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्यों, क्योंकि इसके पास प्लास्मिड है, ठीक है ना, प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है, ठीक है ना, और ये क्या है, एफ नेगेटिव है, मीन्स इसमें प्लास्मिड नहीं है। अच्छा इनके पास क्या होता है कि इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पिलाए, ठीक है ना, फ्लैजेला की तरह ही होता है, लेकिन फ्लैजेला का जो साइज है वो लार्जर होता है और इसका साइज जो है स्मॉल होता है। तो क्या करते हैं कि इनके इन दोनों के बीच में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, कॉन्जुकेशन में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा, मीन्स दोनों ऑर्गेनिज्म अपने पिलाए मिला के साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाएंगे,
फिर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी कॉपी बनेगी। क्यों? क्योंकि प्लास्मिड में ये एबिलिटी होती है कि वो जो है रिप्लिकेशन कर सके, मीन्स कॉपी बना सके, तो इसकी कॉपी बनेगी। कॉपी जो है इसमें एक्सचेंज हो जाएगी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो अभी क्या हो जाएगा कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या बन गया, ये भी एफ पॉजिटिव बन गया, मीन्स ये ओल्ड डोनर था और ये न्यू डोनर है। अब मीन्स ये जो है जो एफ पॉजिटिव है, अब जाके किसी और नेगेटिव एफ नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को एफ पॉजिटिव कर सकता है अपना प्लास्मिड एक्सचेंज करके। तो ये सेम हो रहा है, जैसे पहले हमने बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपस में, मैटरिंग कैसे होते हैं, कुछ मटीरियल एक्सचेंज करते हैं। तो कुछ मटीरियल की बात की थी, वो क्या था, ये प्लास्मिड था, ठीक है ना। ये मटीरियल एक्सचेंज करेंगे और जो है फिर वो सेपरेट हो जाते हैं और आगे जाके किसी और ऑर्गेनिज्म, नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को फिर वो जो है पॉजिटिव कर सकते हैं। फिजन में क्या होता है कि फिजन में सिंपल सेल डिवीजन होती है। ये एक सेल है, ये क्या दो में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड होने के बाद जो है ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल जो है फिजन है, ठीक है, सेल डिवीजन है। अच्छा, देन क्लास फोर्थ क्लास जो है क्लास सेक्टोरिया, ठीक है ना। सेक्टोरिया जो है क्लोजली रिलेटेड टू सीलेट्स, इसको कहते हैं कि ये क्लोजली रिलेटेड है किसके, सीलेट्स के, ठीक है ना। एंड अपीयर टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम देम इन एवोल्यूशन, और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब एवोल्यूशन हुई तो ये उनसे ही इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है, कुछ चीजें जो है इनका सीलेट से मिलते हैं, ठीक है ना। सब क्लास ऑफ प्रोटोजोआ मीन्स ये सब क्लास है किसकी, प्रोटोजोआ की। ये जब मेच्योर होते हैं तो इनके पास, जब ये यंग वन होते हैं, जब ये इमेच्योर होते हैं तो इनके पास सीलिया होता है। सीलिया किसके पास था, सीलेट के पास था, इसलिए कहा जाता है कि ये आपस में कुछ इनका रिलेशन है। लेकिन जैसे ही ये जो मेच्योर हो जाए तो इनके पास सीलिया नहीं रहता, तो मीन्स यहाँ पे चेंजिंग आ गई। यंग में जो क्या होता है कि इनके पास सीलिया होता है और उसके जरिए स्विम करते हैं पानी में, लेकिन जब ये मेच्योर बन जाता है तो इनके पास सीलिया नहीं होता और साइटोसोम नहीं होता। व्हाट इज साइटोसोम? साइटोसोम जो है मींस माउथ, एक ओपनिंग, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो माउथ होता है, ओपनिंग होती है जिससे फूड इंगल्फ करते हैं, उसको कहते हैं। तो इनके पास सीलिया भी नहीं रहता फिर, और साइटोसोम मींस माउथ भी नहीं रहता। मैच्योर फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिससे वो अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से, मीन्स किसी भी चीज से जो है अटैच होने के लिए इनके पास एक स्टॉक सी होती है, ठीक है ना, स्टिक सी होती है, ठीक है ना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इनके पास टेंटिकल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं कैप्चरिंग और इंगस्टिंग प्रे, अपने प्रे को आपको पकड़ने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए और उसको अपने माउथ में इंगल्फ करने के लिए ये जो है उस टेंटिकल्स को यूज करते हैं। यहाँ पे टेंटिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे हमने पहली बात की थी कि इनका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, इंगस्टिव मेथड है, मीन्स मुंह में जो है ये पहले अपनी ओपनिंग जो है बॉडी में जो है इसको इंगल्फ करते हैं, उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस होता है, से एनिमल करते हैं, हायर एनिमल करते हैं। तो ये टेंटिकल यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी प्रे को जो है कैप्चर करने के लिए और उनको इंगल्फ करने के लिए। अच्छा, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सेक्टोरिया में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। कॉमनली फाउंड इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट, अच्छा ये इक्वेटिक एनवायरनमेंट ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। दे हैव बोथ, इनके पास भी दोनों माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। माइक्रो न्यूक्लियस क्या फंक्शन है कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और मैक्रो न्यूक्लियस जो है इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ में इनकी को कंट्रोल करता है। जो इनके यंग इंडिविजुअल होते हैं, मीन जब ये छोटे होते हैं तो इनके पास सीलिया होता है और स्विम करते हैं, जिसके जरिए पानी में स्विम करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मतलब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाए, मेच्योर बन जाए, तो ये सेडेंटरी हो जाते हैं, मीन्स एक जगह पे ये अटैच होते हैं। इनके पास स्टॉक होता है जिसके जरिए क्या होते हैं कि ये किसी भी चीज के साथ जो है अटैच होके एक जगह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो बॉडी के पास क्या होते हैं, कुछ डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, नाजुक साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स होते हैं। जाहिर है जब इनको एक जगह पर अटैच रहना है तो इनको फूड तो चाहिए होगा, तो फूड कैसे आएगा, तो ये टेंटिकल्स जो है इनके आसपास जो प्रे होता है तो हेल्प करते हैं उसको पकड़ने में। अच्छा, दो तरह के इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, कुछ होते हैं पॉइंटेड, जो क्या करते हैं प्रे को जो है वो जो है प्रे को पकड़ने में उसको जो है पिन करते हैं, ठीक है ना। और कुछ होते हैं जिनके
जो टिप होती है वो राउंडेड एडहेसिव नॉब होती है, वो उसके जरिए करते हैं इसको, उसके जरिए ये जो है प्रे को होल्ड करते हैं और कैच करते हैं, मतलब पकड़ते हैं इसको और इसको पकड़ते हैं, और पॉइंटेड जो होते हैं उसको क्या करते हैं, इसको पिंच करते हैं, मीन्स जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना इस टाइप का, जो है वो अपने प्रे को जो है कुछ इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जो पॉइंटेड टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स में क्या होता है कि एक टॉक्सिक मटीरियल जो है सिक्यूर होता है, जिसको यूज किस लिए यूज करते हैं, जो प्रे को पैरालाइज करने के लिए। टेंटिकल्स में हो जो एडहेसिव नोब लाइक राउंडेड जो टेंटिकल्स है उससे ये प्रे को होल्ड करेंगे, तो होल्ड करने के बाद जो पॉइंटेड टेंटिकल्स है उसको जो है इंजेक्शन टाइप का होता है, ठीक है ना, तो उससे पिंच करके उसमें टॉक्सिक मटेरियल इन्वर्ट करेंगे ताकि वो जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाए, अब इजीली इसको जो है ये अपनी बॉडी में ले सके। रिप्रोडक्शन जो इनकी होती है एसेक्सुअल होती है बाय बडिंग, मतलब बर्ड फॉर्मेशन होती है, जे मीन्स बॉडी से आउट ग्रोथ डेवलप होती है, कुछ टाइम तक उस बॉडी के साथ वो अटैच रहती है, जब वो फुली डेवलप हो जाए तो उससे सेपरेट होके क्या होता है कि उस जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, क्योंकि अब वो इस काबिल हो चुका है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके, तो वो क्या हो जाएगा कि पैरेंट सेल से जो है वो अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, एक्नीटा, ठीक है ना। टेंटिकल्स और स्टॉक को देखते हैं जरा, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है कि ये इसका स्टॉक है जिसके जरिए क्या है ये किसी भी जगह से अटैच हो रहते हैं, और ये टेंटिकल्स है, ठीक है ना, देखिए पॉइंटेड टेंटिकल्स है, ये देखिए ये भी इसके स्टॉक है, इससे अटैच है, और ये क्या है टेंटिकल्स है, और ये कोई फूड कोई भी प्रेवर आके जो है इसको होल्ड करते हैं, इसको जो है बॉडी में इनगल्फ कर लेते हैं। हाउ फीडिंग इज अकर इन सक्टोरियन, ये एक सक्टोरियन है, ठीक है ना, ये इसका स्टॉक है जिससे जो है किसी भी जगह से ये अटैच हो जाता है, ठीक है ना, अटैच रहता है, ठीक है ना, ये पैरामीशिया है, मीन्स दूसरा कोई इसका प्रे इसको ये कैप्चर करेगा, तो ये इसके जो नॉब है ये राउंडेड नॉब, इससे इस पैरामीशियम को ये क्या करेगा होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद करेगा कि इसको जो है इसके जो पॉइंटेड वो होते हैं टेंटिकल्स उसमें जो है पिंच कर करके इसमें जो है एक टॉक्सिक मटीरियल एंटर होगा, उसके जरिए ये पैरालाइज जाएगा, पैरालाइज मीन्स जो है इसमें मूवमेंट सही से नहीं होगी, फिर इसको जो है अपने जो ओपनिंग होगी उससे इन्वॉल्व करके बॉडी में अंदर ले जाएगा। द लास्ट क्लास इज क्लास स्पोरोजोवा। स्पोरोजोवा, स्पोरोजोयन मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि स्पोरोजोवा में इंक्लूड है, ठीक है ना, ये वन सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी कि प्रोटोकिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो सिंगल सेल है, ठीक है ना। अच्छा, नॉन मोटाइल मीन्स ये मूव नहीं करते, पैरासाइटिक है मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ होस्ट जो है उनके ऊपर रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं, मीन्स होस्ट से जो है ये बेनिफिट लेते हैं और रिटर्न में क्या करते हैं उनको डैमेज या कोई डिजीज देते हैं, ठीक है ना। और एंड स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर इनमें फॉर्म्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोरोजोवा, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, तो स्पोरोजोवन जो है आर एबल टू फॉर्म स्पोर लाइक सेल्स, इनमें ये काबिलियत होती है कि ये स्पोर लाइक सेल्स जो फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम भी स्पोरोजोवा पड़ा, बिकॉज दे फॉर्म स्पोर्स। अच्छा, जो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास ना फ्लैजिलेटा होता है, ना सीलिया होता है, ना ही सूडोपोडिया होता है, ठीक है ना, मूवमेंट की लोकोमोशन की भी, जैसे कि हमने हर क्लास का जो है डिस्कस किया कि फ्लैजिलेटा क्लास फ्लैजिलेटर के पास फ्लैजिला था मूवमेंट के लिए। सेकंड क्लास थी सक्टोरियन, सक्टोरिया में क्या था कि सॉरी सार्कोडीना में क्या था कि उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गेनल्स नहीं थे लोकोमोटर के लिए, लेकिन उनके जो साइटोप्लाज्म है उससे कुछ प्रोजेक्शन बनती है जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स आर्म बोलते हैं, उसके जरिए मूव करते हैं। थर्ड क्लास थी सीलिया सीलेटा, उनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है जिससे मूव करते हैं। द फोर्थ वन इज सक्टोरिया, सक्टोरिया के पास जो है जब वो यंग वन होते हैं तो उनके पास सीलिया होते हैं जिससे वो मूव करते हैं, फिर जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो उनके पास स्टॉक होता है, मीन्स अब वो मूव नहीं करते, स्टॉक से अटैच होते हैं एक जगह पे, और टेंटिकल्स होते हैं जो उनको फूड लाने में हेल्प करते हैं। तो क्लास स्पोरोजोवा के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज कि ये मूव ही करते, ये जो है इनमें मूवमेंट होती नहीं है, मोटाइल नहीं है, ठीक है ना, दे आर नॉन मोटाइल।
अच्छा, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ये पैरासाइट है, पैरासाइट से एनिमल्स के जो कि कॉज करते हैं डिजीज, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि जब ये मूव नहीं करते, इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो कैसे जो है किसी ऑर्गेनिज्म के पास जाके जो है पैरासाइट बनते हैं। तो इनके इनको क्या होता है कि इनके पास जो है ये वेक्टर यूज करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल मैं आगे आपको बताऊंगी कि किसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, इनके पास ना ही लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, ना ही कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते तो मूव नहीं करते, एंड कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, जो पहले हमने डिस्कस किया था कि बॉडी में जैसे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है जब एक्सेसिव वाटर आए बॉडी में ताकि वो उसमें स्टोर हो, फिर वो जब फुल हो जाए तो वो क्या होता है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो है बॉडी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके फिर उस पानी को बाहर बॉडी से निकालते हैं। तो इनके पास कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होता और लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। जो मोस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब कि जब इनका ग्रोथ फेज चल रहा होता है, लाइफ साइकिल का ग्रोथ फेज चल रहा होता है, तो ये जो होस्ट सेल है उनके सेल के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। और वहाँ क्या करते हैं, वहाँ न्यूट्रंस को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो होस्ट सेल है उनमें से न्यूट्रंस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर होना। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मलेरियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये वो क्लास है स्पोरोजोआ, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मलेरिया भी कॉज करते हैं, न्यू स्पीशीज होती है। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम बोलते हैं मलेरिया ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, ये ब्लड सेल में रहते हैं, ठीक है ना। पहले ब्लड सेल में रहते हैं और अच्छा दूसरे जो है इससे कुछ है कॉक्सीडिया, ये एपिथीलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है ना, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है ना। कुछ जो है मसल्स में, किडनीज में और दूसरे ऑर्गन्स में रहते हैं। मीन सिर्फ स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि किस कौन स्पीशीज है, और हर स्पीशीज जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग पोर्शन में जो है रहते हैं। अच्छा, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो कि वर्टिब्रेट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और सीवियर डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, टिक फीवर हो गया, डायरिया हो गया एंड एबॉर्शन। तो ये सब जो है ये इससे, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स में भी हो रहा है, डायरिया भी वर्टिब्रेट में, टिक फीवर जो है ये भी वर्टिब्रेट एनिमल में होता है, मलेरिया भी ह्यूमन में हो रहा है, डायरिया भी ह्यूमन में हो रहा है, एंड एबॉर्शन। तो ये सब क्या है कि ये इसी स्पोरोजोआ के कुछ स्पीशीज से हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इनके पास अल्टरनेशन ऑफ होस्ट होता है, मीन्स ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि ये क्योंकि खुद से मूव नहीं कर पाते तो ये वेक्टर और कैरियर यूज करते हैं डिजीज कॉज करने के लिए या फिर ट्रांसमिट होने के लिए, ठीक है ना। अल्टरनेशन ऑफ होस्ट मीन्स क्या कि ये इनके पास दो होस्ट मोस्टली या फिर दो ज्यादा होस्ट भी यूज करते हैं, मीन्स अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में जो है कंप्लीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं इनके जो वर्टिब्रेट से इनवर्टिब्रेट में ये जो है मूव करते हैं, मीन्स वर्टिब्रेट्स में जो है कि बॉडी से इनवर्टिब्रेट में मूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, दो होस्ट यूज कर रहे हैं। जिसके मोनोसाइट्स हैं वो क्या, बर्ड से लेकर अर्थवर्म में मूव कर रहे हैं, मीन्स वर्टिब्रेट से इनवर्टिब्रेट में जा रहा है, पहले बर्ड्स में होगा फिर उनसे जाके अर्थवर्म में होगा, या फिर वो अर्थवर्म से दोबारा किसी बर्ड्स में होगा। प्लास्मोडियम है, ये भी सेम ह्यूमन से मॉस्किटो और मॉस्किटो से ह्यूमन, ठीक है ना। जिसके हमें जो मलेरिया होता है वो कौन कॉज करता है, हमें वो मच्छर, जिसको मॉस्किटो बोलते हैं, मॉस्किटो जो है वो कॉज करता है, लेकिन मॉस्किटो कॉज नहीं करता, मॉस्किटो सिर्फ वेक्टर है या कैरियर है, ठीक है ना। जो कॉज करता है वो प्लास्मोडियम है। प्लास्मोडियम क्या है, ये प्रोटोजोआ है और कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये स्पोरोजोआ क्लास से बिलोंग करता है। तो मच्छर जो है वो सिर्फ उस प्लास्मोडियम को लाने में हेल्प कर रहा है, प्लास्मोडियम को लाने में, कहीं जाने में हेल्प कर रहा है, उसको कैरी कर रहा है, ठीक है ना। जब वो ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसकी बॉडी में जो प्लास्मोडियम होगा वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाता है और मलेरिया कॉज कर लेता है। तो ये दो होस्ट नॉर्मली दो होस्ट जो है यूज करते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, ऑल आर एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट कौन से पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट हैं, एक्ट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं। तो तमाम स्पोरोजोआ के मेंबर हम क्या है, एंडो पैरासाइट है, मीन बॉडी के अंदर रहते हैं। अच्छा, या तो ये क्या कहते हैं कि इंट्रासेलुलर होते हैं, इंट्रासेलुलर मीन्स के जैसे कि दो सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है, दूसरा सेल है, इसके बीच में जो स्पेसेस है, ठीक है ना, इसमें इनहिबिट करते हैं, उनको इंट्रासेलुलर बोलते हैं या फिर इंटरसेलुलर बोलते हैं, या फिर इंट्रासेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो कि सेल के अंदर जो है इनिबेट करते हैं, वो उस बॉडी में जो सेल है उसके अंदर इंटर सेलुलर क्या होते हैं, जो सेल के बीच में स्पेस है वहां पे ये रहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है कुछ यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल जो है स्पोरोजोआ की, जो कौन सी प्लास्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है, कॉक्सीडियन जो कि कॉक्सीडाइसिस पोल्ट्री में कॉज करता है, जो मुर्गियां वगैरह होती है पोल्ट्री फॉर्म वगैरह में, अच्छा डॉग से जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है मोनोसाइटेसिस, ठीक है ना, ये जो है सेमी वेसिकल ऑफ अर्थवर्म में होता है, ठीक है ना। सेमी वेसिकल अर्थवर्म मीन्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है अर्थवर्म की वहां पे ये होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे तो हमारी क्लासेस जो है खत्म हो गई, क्लासेस के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है फीडिंग डिफरेंट प्रोटोजोआ में कैसे फीडिंग होती है। जैसे कि ये है अमीबा, अमीबा में क्या होता है कि ये जो है इनकी प्रोजेक्शन जो है से, अच्छा इनका मोड ऑफ प्रोडक्शन सबका क्या होता है, इंगेस्टिव मेथड होता है, तो जैसे कि एनिमल्स करते हैं, गर्व करते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो साइटोप्लाज्म है ये प्रोजेक्शन बढ़ती है, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। ये कोई भी इसका जो है प्रे या है कुछ भी इसका फूड वगैरह है, तो इसके जरिए क्या हो जाएगा कि ये इसके एरियर जो है ना बढ़ जाएगा और ये यहाँ से बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो ये फूड इसके अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम में हमने बात की थी कि ये जो सीलिया होते हैं ये मूवमेंट भी हेल्प करते हैं, ये मूव होते रहते हैं, ठीक है ना। जब मूव होते हैं पानी, जब एक जगह पे ये अटैच होते हैं तो क्या होता है मूवमेंट होती है इसमें, और पानी जो है इससे वाइपर होता है ना, वाइपर के जरिए जो है पानी यूं यूं आ रहा होता है, तो उसके जरिए उसमें फूड पार्टिकल उनकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ये टेंटिकल से जो है ऑर्गेनिज्म को होल्ड करके जो है उनको पिन करके इसमें टॉक्सिक मटेरियल डाल के पैरालाइज करके फिर ये बॉडी में इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है ना, एक जगह पर अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ जो होते हैं फ्लैजेला को मूव कर यूज करते हुए जो है बॉडी पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले आते हैं। तो डिफरेंट जो है ग्रुप में डिफरेंट टाइप की डिफरेंट ऑर्गन्स यूज करते हुए जो है, लेकिन इनका मोड ऑफ प्रोडक्शन सेम है कि फूड को इंगल्फ करना बॉडी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ये लेक्चर खत्म हुआ और यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म हुआ, ठीक है ना। जो किंगडम प्रोटोकिस्टा है जिससे मैंने पहले बात की थी कि इसका कुछ पार्ट जो है आप बॉडी में पढ़ेंगे और कुछ पार्ट जो रिमेनिंग है वो जोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जोलॉजी में आपके पास यही टॉपिक था, और इसके अलावा जो है आपका एडिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसमें आपको जो है किंगडम प्रोटोकिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक और उसकी क्लासेस जो 5 क्लासेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ आपको याद करने होंगे। एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना, और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यही टॉपिक है, 5 क्लास को आपने अच्छे से जो है समझना है और उसको याद करना है। इसके अलावा जो टॉपिक है वो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ, 2 ही लेक्चर थे इस चैप्टर के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।